Welcome back to the afternoon session of day 2 of induction program 2021. After an insightful forenoon session, let us have a glimpse at the rich and patriotic history of the mother of all IITs, IIT Kharagpur. वाह, ये कितनी सुंदर जगह है और बड़ी भी है। सचमुच ये बहुत बड़ा है। ये कैंपस भारतीय तकनीकी संस्थानों में सबसे बड़ा है। आज 2014 में यहाँ तकरीबन 10,000 विद्यार्थी, 700 प्राध्यापक और करीब करीब 1,000 अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं। कुल मिलाकर यहाँ 36 विभाग, विद्यालय और केंद्र हैं। अच्छा दादू, जब हम यहाँ आ रहे थे तब आपने यहाँ के अनोखे इतिहास के बारे में बताया था कि ये जगह कभी फ्रीडम फाइटर्स की जेल हुआ करती थी। नहीं नहीं, ये वो भवन नहीं है, ये तो मुख्य भवन है। मैं पुराने भवन के बारे में बात कर रहा था, जिसे आज हिजली शहीद भवन के नाम से जाना जाता है। चलो हम वहाँ चले, चलो आओ। वही बिल्डिंग है जो कभी कारागार हुआ करता था, दरअसल एक डिटेंशन कैंप। ये जगह, ये तो बिल्कुल भी पुरानी नहीं लगती और जेल तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सही कहा, जानती हो क्यों? सुनो, बंगाल के तब के लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रू फ्रेजर ने एक बार बंगाल सहित मिदनापुर को दो भागों में बांटने की योजना बनाई। उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन को उन्होंने अपने प्रस्ताव की जानकारी दी। तो अब मिदनापुर जिले को दो भागों में बांटना था, मिदनापुर और हिजली। इस तरह सन 1913 में खड़गपुर के पास स्थित सोनामुखी में घने जंगल का एक बड़ा सा टुकड़ा खरीदा गया और इस बिल्डिंग के निर्माण का काम शुरू हुआ। लेकिन इस जिले का विभाजन हो ही नहीं पाया। और ऐसा क्यों हुआ? पहले तो समाज के विभिन्न वर्गों ने इस योजना का विरोध किया और दूसरी वजह ये कि सरकार के पास इस योजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन राशि नहीं थी। पानी की कमी भी एक और बड़ी वजह थी। सन 1921 में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। कुछ समय बाद सारा देश साक्षी बना स्वतंत्रता संग्राम के उमड़ते भावों का। सन 1927 में दिनेश गुप्ता ने मिदनापुर में बंगाल वॉलंटियर्स की एक शाखा का निर्माण किया और उनके साथ ही युगांतर और अनुशीलन समिति जैसी क्रांतिकारी संस्थाएं। दूसरी ओर अहिंसा के मार्ग पर कांग्रेस की सक्रियता चरम पर थी। पर ये सब इस बिल्डिंग से कैसे जुड़ा हुआ है? ये जगह एक डिटेंशन कैंप कैसे बनी? इसके लिए 1930 के दशक के भारतीय इतिहास को जानना होगा। क्या तुम जानती हो? 1930, उस साल में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने 12 मार्च को दांडी यात्रा के साथ ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन शुरू किया था। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हुए इस आंदोलन की वजह से ब्रिटिश सरकार में उथल पुथल मच गई थी और इसके चलते गवर्नमेंट ने 1930 में बंगाल क्रिमिनल लॉ को अमेंड किया। इस लॉ की वजह से लोगों को भारी संख्या में गिरफ्तार किया जाने लगा। ये सभी क्रांतिकारी साधारण डाकू या चोर नहीं थे, इसलिए इन्हें बंदी बनाने के लिए 3 डिटेंशन कैंप की स्थापना की गई, एक बक्सा दुअर में, एक बहरामपुर में और एक यहां हिजली में। करीब 200 क्रांतिकारियों को इस कैंप में रखा गया। अच्छा, अब मैं समझ गई, ये जगह खाली पड़ी थी इसीलिए इसे डिटेंशन कैंप बना दिया गया ना।
बिल्कुल ठीक। जैसा कि तुम देख सकती हो, ये बिल्डिंग चारों तरफ 10 फीट ऊंची दीवारों से घिरी हुई थी और उसके बाहर कांटेदार तारे लगी हुई थी। ये कैंप हर वक्त भारी सैन्य निगरानी में रहता था। इसके चारों तरफ घना जंगल हुआ करता था। ऐसे में यहाँ से भाग निकलना नामुमकिन था। यहाँ के बंदी मैदान में फुटबॉल खेला करते थे, थिएटर करते थे और यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी देते थे। दिन में ये इस पूरी बिल्डिंग में खुले घूम सकते थे, पर रात में इन्हें ताले चाबी में बंद रखा जाता था। आपने कहा था कि महिला बंदियों को भी यहाँ पर रखा जाता था? यहाँ नहीं, इस कंपाउंड से बाहर महिलाओं के लिए एक अलग जेल का निर्माण किया गया था। आओ वहां चले। सभी क्रांतिकारी महिलाएं जिनके बारे में हम जानते हैं कभी न कभी यहाँ रही हैं। और तुम्हें पता होना चाहिए ये जेल पुरुषों की जेल से काफी अलग हुआ करती थी। लेकिन ये जगह तो पुरुषों के जेल से काफी छोटी लग रही है। ये ऐसा आज दिखता है, वरना पहले ये जेल पुरुषों की जेल की तरह ही ज्यादा खुली और बड़ी हुआ करती थी। कई महिला क्रांतिकारियों ने लिखा है कि कैसे अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके वो अपने जीवन को रोचक बनाती थी। क्या इन बंदियों को कोई कठिनाइयां नहीं झेलनी पड़ी? पूरी तरह से नहीं। इस जगह पर सांप, बिच्छू और मलेरिया फैलाने वाले मच्छर हुआ करते थे। बहुत सारे लोग यहाँ मलेरिया का शिकार होते थे, पर इंदुमती सिन्हा और लीला नाग जैसी महान महिलाओं की देखरेख से वो जल्दी ही ठीक हो जाते थे। इतना ही नहीं, यहाँ महिलाएं बारी बारी से खाना भी बनाती थी। कितना आश्चर्यजनक है ना कि ऐसे हालात में भी उन्होंने इतना सब कुछ किया। हाँ, ये सब उनकी एकता और इच्छा शक्ति से ही मुमकिन हुआ। देशभक्ति की भावना की वजह से वो एक रहे और ऐसे कठिन हालातों में भी जी पाए। इसका कारण था कि वो अपने आप को रोज के काम के साथ पेंटिंग, गार्डनिंग, संगीत, पढ़ना, नाटक और नृत्य नाटिका में व्यस्त रखते थे। काश मैं भी उन महान महिलाओं के साथ यहाँ रह पाती और एक दो अत्याचारी अंग्रेजों को मार पाती। अब तुम्हें अंग्रेज कहाँ मिलेंगे? आज हमारे देश का सबसे बड़ा शत्रु है शिक्षा की कमी, जिससे हमें लगातार लड़ना है। खैर, इस सब के बावजूद उन क्रांतिकारियों की जिंदगी बहुत ही लाचार और निस्सहाय हो जाती थी, और यही इस जेल को बनाने का मुख्य उद्देश्य था। और पुरुषों की हालत क्या थी? वहाँ हालत ज्यादा खराब थी। अनुशीलन समिति के एक सदस्य धीरेन बोस, जिन्हें यहाँ पर बंदी बनाकर लाया गया था, वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। एक और बंदी ब्रजेंद्र नाथ चौधरी, जो कि चित्तागोंग रेड में शामिल थे, उन्होंने आत्महत्या की थी, शायद यहीं पर। उस घटना के दौरान मिस्टर ईबीएच बेकर उस जगह के इंचार्ज थे। वो एक बहुत ही अच्छे और नेक इंसान थे, जो कि हमेशा बंदियों के हक में सोचा करते थे। वहीं गार्ड्स के हेड मार्शल को बंदियों के लिए जल्लाद माना जाता था। ये एक बड़े दुर्भाग्य की बात थी कि मार्शल का दायां हाथ एक बंगाली थे जिनका नाम था अनाथ बंधु चक्रवर्ती। यहाँ के बंदी सिर्फ अंग्रेजों के अत्याचार से ही नहीं, बल्कि पानी की कमी से भी बहुत परेशान थे। इन बंदियों को बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रखा जाता था।
इन्हें जो अखबार मिलता था उसमें छपी पॉलिटिकल न्यूज को काली इंक से छुपा दिया जाता था। इसलिए जब भी कोई नया क्रांतिकारी आता तो सारे क्रांतिकारी उससे बाहरी दुनिया की खबर लेने में जुट जाते। 28 जुलाई 1931 के दिन कैदियों को जज गार्लिक की हत्या की खबर मिली। ये वही जज था जिसने बिनॉय, बादल और दिनेश के ग्रुप के दिनेश को फांसी की सजा सुनाई थी। तब उन्होंने जेल की बिल्डिंग को सजाया और इस बात का जश्न मनाया। इतने बहादुर थे ये लोग, और इस सब पर मार्शल ने कैसे रिएक्ट किया? उस दिन तो मार्शल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो बहुत नाराज हुआ। वो कैदियों के खिलाफ एक खतरनाक साजिश रचने लगा, और उस दिन जो हुआ उससे मार्शल अपना आपा पूरी तरह से खो बैठा। ऐसा क्या हुआ था? 15 सितंबर को तीन क्रांतिकारी, नलिन दास, फोनी दास और चिंतामणि दास, कैंप से भागने में सफल हो गए, जिसकी वजह से अंग्रेज बहुत चिढ़ गए। अगले दिन 16 सितंबर को अंग्रेज कैंप छोड़कर खड़गपुर में बने यूरोपियन क्लब में चले गए। सारे बंदियों को भारतीय सुरक्षा कर्मियों के रहम पर छोड़ दिया गया था और उन्हें बंदियों को टॉर्चर करने का काम सौंपा गया था। अगले दिन लेखक शरद चंद्र का जन्मदिन था और सारे कैदी उनके जन्मदिन मनाने की पूरी तैयारी में जुटे थे। रात के 9 बजे थे, तभी उन्हें नीचे से बंदूक की आवाज सुनाई दी। दो क्रांतिकारी संतोष कुमार मित्रा और तारकेश्वर सेन गुप्ता वहीं मर चुके थे, और बहुत सारे लोग गोली लगने से बुरी तरह घायल हुए थे। कुल मिलाकर करीब 30 लोग घायल हुए थे, जिन्हें खड़गपुर के रेलवे हॉस्पिटल में ले जाया गया। ब्रिटिश ऑफिसर्स इस घटना को छुपाना चाहते थे, पर बंदियों ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने भूख हड़ताल की और मृतकों के शव को घेर कर बैठ गए। वो उन शवों को सिर्फ उनके घर वालों को या किसी राष्ट्रीय नेता को ही देना चाहते थे। मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजों ने उनकी ये बात मानी होगी, पर बंदियों ने ये बात बाहर तक कैसे पहुंचाई? सौभाग्यवश अगले ही दिन दो कैदियों, काली बिलास और श्रीमंत भट्टाचार्य की माँ, जेल में अपने बेटों से मिलने आई। उन्होंने ही पत्र में लिखी पूरी घटना को कलकत्ता तक पहुंचाया और आनंद बाजार पत्रिका के शाम के विशेष अखबार में इस घटना को छापा गया। रात भर में ये समाचार पूरे कलकत्ता में आग की तरह फैल गए। जब लोगों ने यह सब सुना तो उनका गुस्सा अंग्रेजों के लिए और भी बढ़ गया। और उसके बाद हिजली में क्या हुआ? अगले दिन
सुभाष चंद्र बोस, ज्योतिन्द्र मोहन सेन गुप्ता और निपेंद्र बैनर्जी हिजली पहुंचे और उन्होंने संतोष कुमार मित्रा और तारकेश्वर सेन गुप्ता के शवों को कैदियों से लिया। सुभाष चंद्र जी ने देशवासियों को कहा कि मैं खड़गपुर से जिस पीड़ा से लौटा हूं, मैं उसे व्यक्त नहीं कर सकता। हम लोग यहां छोटी छोटी लड़ाइयों में ही उलझे रहेंगे और वहां हमारे साथ ही जेल में कुत्ते बिल्लियों की तरह मार दिए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा, आज हमारे दिलों में केवल एक ही चीख है, हम शहीदों के खून से अपने देश की आजादी की नींव रखेंगे। उस वक्त रविंद्रनाथ करीब 70 वर्ष के थे और बीमार थे, लेकिन फिर भी 26 सितंबर 1931 को मॉन्यूमेंट के नीचे उन्होंने एक बड़ी सभा को संबोधित किया। और उस अत्याचार से बाधित बंदियों को कोई इंसाफ नहीं मिला? एक जांच कमेटी बनाई गई, लेकिन वो सिर्फ दिखावा था। उस कमेटी ने फैसला दिया कि हत्या करने वालों का तबादला कर दिया जाए और बंदियों को अनुशासन में लाने के लिए मिलिट्री कमांडेंट कप्तान विल्स को वहां भेज दिया गया। ये तो बहुत अजीब हुआ। उस घटना और कमिटी के इस फैसले पर रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कविता लिखी जिसका नाम था प्रोश्नो। मैं वो कविता जानती हूँ, उसका अर्थ भी अब समझ में आने लगा है। वो कैसे? जैसे कि ये लाइन, आमी जी देखी ची गोपन हिंसा कोपोट रात्रि छाए हेने छे निश्योहाय, आमी जी देखी ची प्रतिकार हिन शक्तेर अपराधे बिचारेर वाणी निरोबे निवृते का दे। ये कविता जरूर इस घटना के बारे में ही है। तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे नहीं लगता कि बंदियों ने ये सारी घटना बिना विरोध के सही होगी। बिल्कुल नहीं। जो व्यक्ति इस हत्या और इंक्वायरी कमेटी के लिए जिम्मेदार था, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। वो कौन था? मार्शल? नहीं, वो था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डगलस। और उसे क्या हुआ? 30 अप्रैल 1932 को मिदनापुर कॉलेज के दो विद्यार्थी प्रद्युत भट्टाचार्य और प्रभांशु शेखर पाल ने डगलस को मौत के घाट उतार कर इस घटना का बदला लिया। आपने कहा था कि गांधी जी भी इस जगह पर एक बार आए थे। इस घटना के पूरे 6 साल बाद 17 नवंबर 1937 को गांधी जी हिजली आए थे। उसके बाद उसी वर्ष महिला जेल को बंद कर दिया गया और 1938 में हिजली कैंप भी बंद कर दिया गया। और फिर इस बिल्डिंग में आईआईटी बनी? नहीं, इतनी जल्दी नहीं, अभी उसका वक्त नहीं आया था। इस कैंप को 1940 में फिर से खोल दिया गया, लेकिन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उसे बंद कर दिया गया। इस विश्व युद्ध में एक तरफ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस था और दूसरी तरफ जर्मनी, इटली और जापान। तब जापान भारतीय सीमा के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। ब्रिटेन की सहायता के लिए अमेरिका ने अपने विमान भेजे। खड़गपुर के नजदीक चाकुलिया, धूतकुंडी और कलयकुंड में अमेरिकी वायुसेना ने अपने बेस बनाए। जंगलों से घिरी ये जगह रेडियो कंट्रोल रूम के लिए बिल्कुल ठीक थी, इसलिए अमेरिकी सैनिकों के लिए रातों रात ये कैंप खाली कराया गया। अब तक हमने भारत में अंग्रेजी शासन में हुए जुल्म की बातें की, पर सभी अंग्रेज अत्याचारी नहीं थे। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो वाकई हमारी सहायता करना चाहते थे, खास तौर पर शिक्षा में। वेस्टर्न और मॉडर्न शिक्षा को इस देश में लाने का श्रेय ऐसे ही लोगों को जाता है। लेकिन फिर ये आईआईटी इस बिल्डिंग में कैसे बनी? द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद अंग्रेजों को शिक्षित लोगों की जरूरत पड़ने लगी जो निर्माण कार्यों में उनकी सहायता कर सके, जो फैक्ट्री बना सकें, और उन्हें इंजीनियर्स चाहिए थे विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास के लिए। तो फिर क्या अंग्रेजों के समय में ही आईआईटी बनाने के बारे में सोचा गया? हाँ, नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर एवी हिल को हमारे देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपॉइंट किया गया था। डॉक्टर एवी हिल ने अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसी एक तकनीकी संस्था बनाने की सलाह दी।
सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन और सरार्दी सिर दलाल के प्रयासों की वजह से 1945 में नलिनी रंजन सरकार के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई, जिसमें वैज्ञानिकों, शिक्षकों और उद्योगपतियों को शामिल किया गया। इस समिति ने एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना का सुझाव दिया। 19 फरवरी 1947 को तब के हेड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट जवाहरलाल नेहरू और एजुकेशन मेंबर इन चार्ज मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस प्रस्ताव का स्वीकार किया। सरकार समिति की रिपोर्ट के मुताबिक इस संस्था को पूर्वी भारत में बनाना था। उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्रा रॉय ने इसे बनाने के लिए हिजली का चयन किया। हालांकि इसे बनाने का काम कलकत्ता के 5 एस्प्लेनेड रो ईस्ट में पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन ये एक अलग ही कहानी है। हम इस भवन की कहानी की चर्चा कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने जो कहा था वो सच साबित हुआ। क्या सच साबित हुआ दादू? जैसा उन्होंने कहा, शहीदों के खून से अपने देश की आजादी की नींव रखेंगे, यही वो जगह है जहां नई शुरुआत की नींव रखी गई। सबसे पहली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहीं पर स्थापित की गई। वो कौन सी तारीख थी? कौन सी तारीख? जब इस बिल्डिंग में आईआईटी की शुरुआत हुई। ओ हाँ, वो 18 अगस्त 1951 का दिन था। शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर वेस्ट बंगाल के राज्यपाल कैलाशनाथ काज्जू, मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय और पहले डायरेक्टर प्रोफेसर ज्ञान चंद्र घोष भी मौजूद थे। इसके बाद आईआईटी का बहुत विस्तार हुआ। 1990 में इस बिल्डिंग का एक भाग नेहरू म्यूजियम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में बनाया गया। सच में इसका इतिहास कितना अनोखा है। इसका निर्माण हुआ था हिजली के हेडक्वार्टर्स बनाने के लिए, पर वो यहाँ पर कभी बने ही नहीं। बाद में इसका उपयोग क्रांतिकारियों को कैद करने के लिए होने लगा। फिर यहाँ उन पर जुल्म ढाए गए और यहाँ की मिट्टी शहीदों के खून से रंग गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस बिल्डिंग में अमेरिकी वायुसेना के हेडक्वार्टर्स बनाए गए और आखिर में इसमें पहले आईआईटी की स्थापना हुई। तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम्हें वो कविता प्रश्न पता है ना? हाँ, मुझे पता है। चलो एक काम करते हैं, हम उन स्वतंत्रता सेनानियों की याद में ये कविता गाते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। भगवान तुम्हें जुगे जुगे दूत पाठाए छो बारे बारे, दयाहीन संसारे तारा बोले गेलो क्षमा करो सबे, बोले गेलो ভালোবাসো অন্তর হতে বিদেশ বিষ নাশো। Good afternoon, KGPians. Glad to see you here again. We hope you are finding the program insightful and in the course of getting yourself familiarized with the ethos here. Let us introduce you
to the course coordinators and academics imparted in the first year at IIT Kharagpur. The courses in first year are well designed to give you an idea of all the fields and develop an understanding of all the courses that you'll encounter again in the future. The purpose of this is to acquaint you to the academics, culture and environment at the institution. To begin with, I would kindly request Dr. Shashwat Das to join us here on stage and share a few words with our freshers. Thank you. Dear students, I welcome all of you to IIT Kharagpur. I am Dr. Shashwat Das from the Department of Humanities and Social Sciences. And I happen to be the course coordinator for the course English for Communication, which we generally refer to as the EFC. The course code, you can note down, HS13003. Now, what does this course aims to do? Now, this course aims to creatively teach the art of communication by connecting it with different aspects of liberal arts, such as literature, aesthetics, ethics, and socio-political studies. Now, you'll be attending both lectures and lab classes, where the lectures will aim to build up your critical thinking skills by carrying out an exhaustive analysis of a range of contemporary issues and concerns. In the lab classes, you'll be engaging in exciting practical activities that will help you to make use of your critical thinking abilities that you acquired in the theory classes in specific professional context. Now, section will be divided into two sections. Sections 11 to 20 will be offered English for Communication in the autumn semester 2021. Section 1 to 10 will be offered English for Communication in the spring semester 2022. These two sections will be allotted to one teacher, and these five teachers will take care of 10 sections in each semester. The class instructor will get in touch with you regarding the online classes as soon as all the admission related formalities are over, and the instructor gets access to the entire list of students. If you have any queries at the initial level, you can contact me at this mail, ssd@hssiitkgp.ac.in. And now, keeping our head of the department in the CC. However, you'll be glad to know it is mainly the class instructors who will be in touch with you regarding the classes and all other details. The class instructor teaching your section would be not just a teacher, but also a guardian to you as far as our course is concerned, English for Communication course is concerned. They will just not teach you, but also clear your doubts and take care of your query that you may have at any point of time. I wish you a happy life and a bright future ahead. Thank you very much. Thank you so much for your words, sir. Moving on, I would now request Professor Shamik Chaudhary to join us here on stage and share a few words on his course. Well, good afternoon, students, and welcome to IIT Kharagpur. I hope you and your family are in good health. I am Dr. Shamik Chaudhary from the School of Environmental Science and Engineering, and I happen to be your course coordinator for Environmental Science, or EV0001. Now, the thing is, there is no denying that our environment is changing. And as the environment changes, there is also a need to understand the problems that surround us, especially with the massive influx of natural disasters, then warming and cooling periods, different types of weather patterns, and so on. We need to understand, or people need to understand, like what type of problems that the Earth is facing today. In fact, in various parts of the world, today, every day, people are facing existing and emerging environmental issues. And most of these issues are highly complex and vary in scale, ranging from local to global dimensions. So, what we need to do? We need to make a
Cultural Transition to a Society Where We Learn to Live More Sustainably by Sharply Reducing the Degradation of Our Planet. So the key objective of this course is to inspire you, or rather I would say to motivate you, to become responsible managers or stewards of the planet, that is the planet Earth, and also to get you involved in the change in the way we view the Earth and tackle it, or we treat it. And in the process, we also, which in turn of course supports us, our economies, and all other living beings. So this course will basically be taught by faculty members spanning across various disciplines, who will be giving you a holistic perspective to addressing environmental problems in an innovative and integrated manner. And if you ever face any problem regarding this course, or if you have any queries, you can always reach to me. My email ID is always provided on the Institute website. It is also there on the ERP. And I wish you all the very best for your undergraduate curriculum. Thank you. Thank you for your words, sir. Moving on, I would now request Professor Dibendu Samanta to join us here on stage and share a few words with our freshers. Good afternoon, students, welcome to IIT Kharagpur. So I am Dibendu Samanta from School of Bioscience, and I am your course coordinator for Science of Living System. And like before every semester, we used to send a kind of survey form, and we noticed that approximately 10 to 12% of students, you have biology at your in your 10+2. So that way we designed our course. So you will get like overall perspective of biology in just, I would say, 25 to 30 years of hours of classes. And here I would like to mention, mostly we stressed on some topic, particularly how information gets processed in a biological system. So it can be genetic information, or it can be information which can be understood by your immune system when you are attacked by some kind of pathogen. So we kind of try to integrate all those things in such a way that can be, you know, understandable for like students from any background. So I am sure that you will enjoy this class, and that's all. So that's all about. Thank you very much. Thank you for your insight, sir. Moving on, I would now request Professor Vikrant Rachella to join us here on stage. Hi everyone, my name is Vikrant Rachella. I'm a faculty from Mechanical Engineering. I am one of the coordinators for Do-It-Yourself project, one of the first year courses that you will be taking. We have Professor Debalai Chakravarti and Professor C.S. Kumar. They are the other coordinators of this particular course. So this is a unique course which has been introduced as a part of the new education curriculum. It started from last year. So let me give you a little background about the course before I get into the contents and what it is about. So when you join engineering, one of the questions which basically bothers everyone is, what exactly is the role? What is the end target of whatever you are learning? So a simple answer to that particular question is, you are training yourself to come up with solutions for day-to-day life. And whatever is the discipline that you are going to pick, at the end of the day, that is the target. So to take a day-to-day life example, so let us say you have a farmer, and one of the things that he needs to do is water the plants. Now, there is always the question of which plant requires how much amount of water on a particular day, what he has to give, and there is a whole lot of time and effort which goes into the activity. Now, so as an engineer, one of the things you can be looking at is, can you automate the process? Can you find a way to decide how to water each of the plants, how to add nutrients in a certain manner, and so on? So in this course gives you an opportunity to directly jump in and try to solve some problems and learn skills to execute projects. So let's get through the content of the course.
So this is the week-wise plan for the course. So after the initial introduction, for the first 4 weeks, you will be having training modules where you will be learning about how to create 3D part models and do 3D printing. So these skills will help you very quickly generate some 3D parts which may come in handy when you are executing projects. Then in the next 2 weeks, you will be learning how to build basic electronic circuits, use sensors and actuators, and both the hardware and software aspects of it. And in the two following weeks after that, you'll get a chance to open up machines, look at the materials that go into different parts, the mechanisms, electrical and mechanical powertrain involved, and as such, just how do machines work. And all of this is sort of a training module, getting, trying to get you a feel for what goes on inside things that you use on a routine basis. And once that is over, towards the end of the course, in the last 4 weeks, you will be executing a team project. So you get to decide what topic you want to work on, software, hardware, both. And through mentoring, you would be executing the project by yourself. The beauty of the course is that all throughout the course, the learning is going to happen only through assignments and projects. And each of them, whether it is assignment or project, you are going to pick the actual problem that you are going to work on. There will be broad area, but as such, you get to pick. Now, I know that right now you are not over here, but there is a lab which is dedicated to this particular course. It's the do-it-yourself lab. So it's a place where you can go along with your teammates, friends, work on projects, use 3D printers, use electronic and analog and digital workstations. Okay, and these are some of the parts which have been created using the 3D printers. You can create artistic part, engineering components which can go into prototypes in a cost-effective manner. These have reasonable strength and can work well in prototypes. Well, some more of the things which have been created. So in the first class, we are going to give you many more details regarding the course. This was really popular last year, and I hope that you enjoy the course and you get something nice out of it. Thank you. Thank you for the detailed overview on what to expect, sir. Moving on, I would now request Professor S.J. Hossain to join us here on stage and share a few words with our freshers. Good afternoon, students. I am Sheikh Jahangir Hossain, a faculty member from Civil Engineering Department, and this time I shall be your course coordinator, Engineering Drawing and Computer Graphics. This is a course which is being offered in each semester. There are 10 sections. So before starting that, I would like to welcome you for joining to IIT Kharagpur. Here you are going to build up your essential academic background that is necessary to start a bright career. This institute is going to provide you a nice ambient, the so-called Gurukul, and the memory of your four-year stay at IIT KGP would be lifetime, I believe. Now, there are 10 sections, as I said earlier. Each semester, we offer this course for 10 sections. There are 20 sections. And for each section, we allocate two mentors, okay, two gurus to take care of that. Now, the ability to read drawing is the most important requirement for all engineers that we all know. As compared to the verbal or written description, the graphical language is more convenient for all persons involved in any engineering project, ranging from a novice to expert. The applications of these subjects are plenty. Structural drawing for civil engineers, machine tools drawing for mechanical engineers, circuit diagrams for electrical or electronics engineers, to name a few. In the last couple of decades, we have witnessed a rapid change of computing tools, including the drawing medium. So this is due in part to the advancement of computers. Today, a major part of the engineering drawing is carried out using the computers, commonly known as the computer-aided design and drafting. However,
We should not forget that this part can only be accomplished with the knowledge of sufficient imaginative power and proficiency in the manual drawing. And the other detail regarding the sections and the mode of teaching along with the resources are made available to the site http://www.ed.iitkgp.ac.in. So if you have any query during the semester, you please write to me, or you can directly communicate with the teachers. Hope you are going to enjoy this session as well as your undergraduate program. Thank you. Thank you so much for your words, sir. Moving on, I would now request Professor Pradeep Kumar Chakraborty to enlighten the students on what to expect in his course. Good afternoon, everyone, and especially good afternoon, students, the first year newcomers. On behalf of the Department of Chemistry and on behalf of all of my colleagues and students, I wish you a very, you know, a very warm welcome to the Department of Chemistry. I hope your time in the department will be very, very nice. So I am the first year faculty advisor of the Department of Chemistry first year students, as well as I am the course coordinator of the first year chemistry course, both the theoretical course and the laboratory course. The theoretical course is CY11003, whereas the laboratory course that we will be having is CY19003. And of course, these two courses are general for all the first year students admitted to our institute. And we have 10 sections running in this semester. And of course, the pattern of the course is basically, especially for the theoretical course, the theoretical general chemistry course, is divided into three categories: physical chemistry, inorganic chemistry, and organic chemistry. So, and we will start from physical chemistry, followed by either inorganic or organic chemistry. But the details will be notified in due course of time by me or by the respective teachers. And the laboratory course will be held also in parallel. And of course, it will be held in online platform. And you will be notified regarding the course details and the class timing and everything in due course of time by the respective teachers, coordinators, or the faculty advisor like me. If you have any question, any queries, you can feel free to write us email, to write me or write the respective faculty coordinators for these two courses that we will be conducting during this semester in the department. And for any other queries regarding your issues for the first year chemistry student, so as I am the faculty advisor, I'll be happy to take your email and reply it as my earliest convenience. Once again, I thank you all and a very warm welcome to the department. And of course, to all the first year students, a very warm welcome to the institute. I hope you will have a very good time during your stay at IIT Kharagpur, and I wish you all the best for your very bright future. Thank you very much. Thank you so much for your words, sir. Moving on, I would now cordially invite Professor Atul Jain to join us here on stage and share a few words. Hello everyone, I will be coordinating the course Basic Engineering Mechanics. So Leonardo da Vinci once said, "Mechanics is the paradise of the mathematical sciences, because by means of it one comes to the fruits of mathematics." The course Basic Engineering Mechanics has been developed keeping this philosophy in mind. It is in this course you will learn real life applications and appreciation of the mathematical concepts that you have learned in school so far. This course broadly has two components. The first is involving statics,
and the second is about mechanics of deformable bodies. And the entire course is designed in such a way that your problem solving skills will improve. You know, basically to look at a problem which is abstract, break it down into a number of equations and to solve those equations. That is the core philosophy based on which this course will run. I'm sure you'll have a lot of fun in this course because as instructors, we enjoy this course very much. And every year at the end of the semester, we have students who tell us that before doing this course, they were either afraid of mechanics or they thought that they did not understand mechanics well, but after this course, they have better appreciation of the subject. I sincerely hope that this tradition will continue with your batch also. Thank you. Thank you for your words, sir. Moving on, I would now request Professor Ajay Sidpora to join us here on stage and enlighten the freshers. Good afternoon, students. So my name is Ajay Sidpora from Mechanical Department, and we are coordinating engineering lab. There is one more coordinator from Electrical Department, Dr. Saurabh Pramanik. So this lab was introduced last year, and at that time there were only two participating departments, that was Electrical and Mechanical. But from your own year onwards, we will have many departments who will give some basic experiments. So this lab is mostly demonstration plus hands-on experiment kind of thing, but as you know that this will be in online, so we will be sharing some video demonstration of some machines or some processes by which you will understand the things. So we will have electrical department, mechanical, civil, aerospace, agriculture, and metallurgy department who will be sharing experiments with you. So in the short time, we will be sending you some instruction and how this lab will be going on throughout the semester. Thank you very much. Thank you so much for your words, sir. Moving on, I would now request Professor C. Nahak to join us here on stage and share a few words with our freshers. Hello, good afternoon, students, and good afternoon to everybody. And I am the course coordinator of your advanced calculus. I am Professor C. Nahak. So you have 20 sections, like other engineering, physics, chemistry, you have 10 sections. We are 20 basically. It is a full course, 20. Next semester also you have another mathematics course, that is linear algebra, numerical analysis and complex analysis. So basically this course, we have two section, means 20 means we have 10 teachers. I am the coordinators. We'll give you during your class some that assignments that you have to work out in your own and keep it. And we'll give 2-3 units graded assignments. That means you have to submit also, that time bound will give. When one unit will complete, we may give you some of the problems that is known as graded assignments. That evaluation will take place by our TA, and mark will be also given for the final grade calculations. You have a tutorial class also. So that means one section we have divided into four groups. So that group you will know when the class will start. The teacher will inform you which group you are. So normally I will take your section 5-6. Section 5 will convert into four groups. Maximum 20 to 25 students in a group. So again, section 6 also we have 20 to 25 students in a group. So that is called the groups for the tutorials, and the common assignment will give to everybody, all over the 20 students, and we'll assign a TA, that is teaching assistant, to you, 20 to 25 students, and they will clarify your doubts, and if you have any doubt also, you will ask to your concerned teacher or to me. So overall, we have this assignment solution, you have to solve those problems also, because this is useful for your test. Maybe
3 to 4 tests will conduct during your semester, and all are like that in the online mode, and will teach you in your MS Team mode. And the courses here, in the few lecture you have some idea regarding single variable calculus, you have studied, but you have not studied multivariable calculus, that several variable calculus will teach, then differential equation more than one order, that is second order, higher order onwards, and we'll study differential equation with variable constant coefficients of higher orders, and you have several, you will study integral calculus that consist of your this function of double triple integrals. You'll just study there, and convergence of integral also in that unit, that is totally new to you, and you have this vector also, some part we can cover there in that course, advanced calculus, etc. Then the remaining part of the vector you may study there in your second semester due to the time constraints, etc. So there in the second part you will study your linear algebra, then numerical analysis, and your complex theory. So these are the courses, but first 4 units we can do it here in your advanced calculus course. Initially its name is Math 1, now we have changed to advanced calculus, and that second is linear algebra, that numerical and complex analysis, etc. And this you have to update the Moodle team. Normally there will put the assignments, etc., and there update you have to see. You can download the materials what we'll give there, we'll post it in Moodle team, that is designed by Institute, and all these informations regarding your test and like quiz test, etc., you know in advance. Okay, then thank you. If you have any query, you can mail me. I am C. Nahak, Department of Mathematics. Okay, thank you very much. Thank you for your remarks, sir. Moving on, I would now request Professor P. Roy Chaudhary to enlighten us on the aspects of his course. Good afternoon, students. First of all, on behalf of the Department of Physics and on behalf of the Institute, I convey a warm welcome to all of you to this institution. I am from the Department of Physics, and I happen to be the course coordinator of physics. The course is Physics of Waves, PH11003. In this course, you have all 10 sections, and there will be 5 instructors. My senior colleague, Professor Somnath Bharadwaj, he is also a coordinator of this course. And in the beginning of the course, all the essential requirements, all the information that will be shared with you, there will be tutors, tutorial teachers, TAs, who will help you, sufficient number of TAs who will help you in your assignments, in your understanding and other things. And individually, for all your doubts, you can always contact us, any of the teachers. We will pass on the information to the appropriate person. This course, this Physics of Waves, which is a general and which is a general course that is a compulsory for all of you, and by now it's not you know the importance of studying physics, and you will find ample understanding and connection with other branches of engineering with your proper development of understanding with physics. We have a lab class also, physics lab, which is most part of the lab is common with most part, not all of them, is common with this theory part. And once you do the lab, you will have the hands-on experience of learning physics that you have learned from your theory classes. And all other informations that regarding the finer details of this course will be shared with you in the first few classes. And if for any doubt or any clarification, you can always contact us through our email, which is available in the ERP, as well as we will also mention in the class. The classes will be held in the MS Team mode, and the timetable and all other things will be shared with you in the due course. Finally, I once again welcome you to this institution,
to have a very wonderful learning experience and have a you know, beautiful and bright future. Thank you very much. Thank you so much, sir. With this, I would like to again thank all the professors for being present here with us today and sharing a detailed overview of their respective courses so that we know what to expect ahead. With this, I would like to formally close this session for today.